खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا اسکول اور میں ہوں ندا کاظمی۔ آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان پبلک اسکول میں, دیکھتے ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح تعلیم دی جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام آمنہ منیر ہے۔ آمنہ, یہاں پہ پڑھنا کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا۔ اچھا, یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا اسکول ہے, تو آپ کو یہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے کیا بتانا چاہو گی کہ کس طرح لگتا ہے یہاں پہ پڑھنا, ان کی ایجوکیشن کیسی ہے؟ ایجوکیشن بہت اچھی ہے اور پڑھنا بھی بہت اچھا لگتا ہے, اور ٹیچرز بہت اچھی طرح سے سمجھا کے پڑھاتی ہیں۔ ٹھیک ہے, اور بڑے ہو کے کیا بنو گی؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر بنو گی۔ بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوگا کہ اپنے ڈاکٹر عبد القدیر سے آپ نے تعلیم حاصل کیا, تو بہت اچھا لگے گا ہمارے کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہیرا ہے۔ ہیرا کون سی کلاس میں پڑھتی ہوں؟ میں 9 کلاس میں پڑھتی ہوں۔ 9 کلاس میں۔ اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کا اسکول ہے, آپ کا کیا ویوز ہیں اس حوالے سے؟ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے انسان ہیں, اور دوسری بات انہوں نے اٹامک بم بنایا ہے جو جس کی وجہ سے آج ہم لوگ محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم ان کے اسکول میں آج پڑھ رہے ہیں۔ یہاں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کہوں؟ اس کی ادھر ایجوکیشن تو ہر اسکول میں ملی جاتی ہے, لیکن یہاں کی اچھی بات یہ ہے کہ ڈسپلن پہ بہت کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے, اور تربیت سب سے بڑی بات ہوتی ہے جو یہاں پہ بہت اچھی ملی جا رہی ہے ہمیں۔ اور یہاں کی ٹیچرس کے حوالے سے کیا کہو گی, ایجوکیشن حاصل کرنے میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ ہماری ٹیچرس نہ صرف ہمیں اسکول کے حوالے سے بلکہ ہماری پرسنل لائف کے بارے میں بھی ہمیں اچھے طریقے سے تربیت دے رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سبحان ہے۔ سبحان, اسکول کے حوالے سے کیا بولنا چاہو گے آپ؟ اسکول کے حوالے سے ادھر کی اسٹڈیز وغیرہ کافی فوکس کرتے ہیں, اچھی پڑھائی ہے, ادھر کی ٹیچرز بہت اچھی ہیں, کوالیفائڈ ہیں۔ Wow.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहम अकरम। माहम, आप स्कूल का नाम बताइएगा। इस स्कूल का नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पब्लिक स्कूल है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में आप क्या जानती हैं? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, हम जैसे कि हमारे पाकिस्तान के मोहसिन पाकिस्तान से नवाजा गया है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया है जिसकी वजह से पाकिस्तान तमाम मुल्क में एक अच्छे नाम से जाना जाता है। यहाँ के एजुकेशन के बारे में क्या कहोगे आप? यहाँ की एजुकेशन के बारे में, मैंने यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है और हम सब चाहते हैं कि यहाँ से पढ़कर हम डॉक्टर कदीर के नाम को और बढ़ा सकें आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? आमना साजिद। आमना, कौन सी क्लास में? मैट्रिक। मैट्रिक में हो। यहाँ की एजुकेशन के हवाले से क्या कहोगी? एजुकेशन यहाँ पे बहुत अच्छी है और इस बार 77। आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। और डॉक्टर अब्दुल कदीर के बारे में क्या कहना चाहोगे? उन्होंने पाकिस्तान के एटम बम बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ारा। ज़ारा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? सिक्स क्लास में। एजुकेशन के हवाले से क्या कहना चाहोगी? टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, स्कूल भी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कमल। कमल, कौन से स्कूल में पढ़ती? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पब्लिक स्कूल। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने एक एटम बॉम्ब बनाया है, उन्होंने हमें एटमिक कुव्वत से हमारा मुल्क महफूज किया है। यहाँ पे किस तरह एजुकेशन दी जा रही है? यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ के जितने स्कूल्स हैं उन सारे स्कूल से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन इस स्कूल में दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मुईस। अब्दुल मुईस, कौन सी क्लास में हो? सिक्स क्लास। यहाँ की टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ की टीचर बहुत अच्छी और हमारे को चैप्टर मतलब पढ़ाने से लिखाने से पहले एक्सप्लेन करती है, उसके बाद हमारे को एक्सप्लेन करके फिर अच्छी तरह काम कराती है, फिर जो कुछ पूछना होता है फिर वो बता देती हूँ। यहाँ से पढ़ने के बाद क्या बनोगे? यहाँ से पढ़ने के बाद पायलट या फिर फौजी।
की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिनाहिल। मिनाहिल, कोई पोएम सुना दो। दो मोटे मोटे हाथ, दो मोटे मोटे पांव, छोटी सी है दुम और लंबी सी है नाक, पेट है उसका मोटा और लंबे लंबे दांत, बच्चों का है साथी, नाम है उसका हाथी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान, क्या सुनाओगे आप? दीदा मंदिस्लाम। सुनाओ। दीदा मंदिस्लाम, दीदा मंदिस्लाम, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल थानी, दीदा मंदिस्लाम, दीदा मंदिस्लाम, जमानिल औला जमानिल उखरा रजब एन शाबान, रमजान 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 एन शाबान, ज़िलक़द आदू ज़िलहज आदू, दीजा मंद इस्लाम, दीजा मंद इस्लाम। Yeah.
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मीरब कारमान। मीरब कौन सी क्लास में पढ़ती है? नसरी। टीचर कौन सी अच्छी लगती है? जवेरिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इमाद। क्या नाम है? इमाद। इमाद, इमाद बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस कमिश्नर। पुलिस। टीचर कौन सी अच्छी लगती है? जवेरिया। और गेम कौन सा अच्छा लगता है? लीडो। लीडो पसंद है। फेवरेट कलर कौन सा आपका? रेड एंड ग्रीन है। एंड येलो। कौन सा कलर है? एंड येलो एंड ब्लैक एंड ग्रे एंड व्हाइट एंड ब्लैक। सारे फेवरेट कलर हैं आपके। वो तो सबसे स्ट्रांग बनाती है, तो इसमें सबसे स्ट्रांग आपको कौन सा लगता है? ये ना। ओके, तो सबसे पहले हम इसको इसकी बेस पर रखेंगे। ओके ओके, अब मैं आपको ये टू बॉक्स दे रही हूँ, इसमें से सबसे हैवी कौन सा है? वेरी गुड। तो इसको हम वहाँ रखेंगे टावर की बेस के ऊपर। वेरी गुड। तो देन ये अब इनमें से कौन सा है आपके पास? वेरी गुड गुड। नाउ अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रहमदीन। रहमदीन। रहमदीन कौन सी क्लास में हो? टू। और कौन सी टीचर अच्छी लगती है? मिस रीबा। और कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मैथ्स। मैथ्स पसंद है आपको। बड़ों के क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी में जाओगे? अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम है आपका? मानूर। मानूर कौन सी क्लास में? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? इंग्लिश। स्कूल का नाम बताओ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान स्कूल। और टीचर कौन सी अच्छी है? और पढ़ने में कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या नाम है आपका? हमरा। हमरा स्कूल का नाम बताओ। और पढ़ने में कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? अच्छा लग रहा। कलर कौन सा अच्छा लगता है? सी ग्रीन। सी ग्रीन। और स्पोर्ट्स कौन सा स्पोर्ट अच्छा लगता है आपको? बैट बॉल। बैट बॉल। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सबा। कौन सी टीचर अच्छी लगती है? और बड़े होते क्या बनेंगे? और स्पोर्ट्स कौन से अच्छे लगते हैं आपको? अच्छा। और कौन सा कलर अच्छा लगता है आपको? क्या नाम है आपका? यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है? यहाँ पे मैं साइंस और इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाई हूँ। और कैसा एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट्स को पढ़ाना? बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। और यहाँ पे मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे अच्छा तब लगता है कि जब आपके कोलीग उनके हेड्स अच्छे हों, तो यहाँ मुझे बहुत कम्फर्ट फील होता है उनके साथ।
क्योंकि मतलब बहुत बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट है और बहुत अच्छा मतलब लगता है मुझे यहाँ पर आना। पेरेंट्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स का भी मतलब बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है इस मतलब स्टडी के हवाले से कि मतलब यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मतलब सेटिस्फाई हैं, तो वो इसीलिए अपने बच्चों को हमारे यहाँ यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और स्कूल के स्टाफ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उनका स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है सब यहाँ पे। और मतलब मैं अपने हेड्स के बारे में ज़्यादा कहना चाहूँगी कि मतलब वो हमारे साथ मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब कभी हमें ऐसा फील नहीं करवाया उन्होंने कि हम यहाँ पे मतलब बिल्कुल अलग से हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हमारे मतलब हमारे साथ होते कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स कैसे रहे आपको बताओ, उनका कैसा मिला? बहुत अच्छा, मेरा तो वैसे फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत ओबीडियंट हैं, तो जिसकी वजह से जो है मतलब मैं इधर कम्फर्ट हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा अर्शद। अरीबा, कौन सी टीचर अच्छी लगती है? मिस फातिमा। और कलर कौन सा पसंद है? पिंक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फामिया। फामिया, कौन सा खेल अच्छा लगता है आपको? क्रिकेट। क्रिकेट पसंद है। बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे। आपका नाम क्या है? किरात फातिमा। किरात फातिमा, कौन सा कलर अच्छा लगता है? रेड। रेड कलर पसंद है। आपका नाम क्या है? उमर। उमर, कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? स्पोर्ट क्या? खेल कौन सा अच्छा लगता है? खेल छुपन छुपाई। छुपन छुपाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अपना तारुफ कर रही है। जी, मेरा नाम साजरा नदीम है, मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर में पिछले 1.5 साल से काम कर रही हूँ और मैं मैथ्स की टीचर हूँ, मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और एज ए इंचार्ज ऑफ प्राइमरी। तो यहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत क्लीन इन्वायरमेंट है, बहुत काइंड है, यहाँ की जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह दी जा रही है? बहुत अच्छी एजुकेशन है, मैं यूँ कहूँगी कि बच्चों को ओ लेवल्स की स्टडीज़ में जाके पढ़ाया जा रहा है, एक नॉर्मल फीस में जो है वो बच्चों को वो तालीम दी जा रही है जो कि बच्चे ओ लेवल स्कूल में सीखते हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि टीचर्स हमारी बहुत मेहनती हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, अच्छे से वर्किंग करवाती हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई कंप्लेंट। और स्टाफ के हवाले से क्या चाहिए? स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट बहुत कोऑपरेटिव है, टीचर्स का बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे प्रिंसिपल स्कूल के बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो काम है, उनका बिहेवियर है और सब टीचर्स को जो है वो हेल्प आउट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नूरुलैन। नूरुलैन, कौन सी क्लास में? फाइव में पढ़ती हूँ। और ये स्लैश किस चीज़ का है आपका? और रिजल्ट क्या बना था आपका? फर्स्ट। बहुत अच्छी बात है कि आपने फर्स्ट पे आई हूँ। और आगे जाके क्या बनोगी? इंजीनियर। इंजीनियर बनोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना राशिद। स्कूल का नाम? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पब्लिक स्कूल। और बड़े होकर क्या बनोगे? पायलट।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम राना बिलाल है और मैं पिछले कोई 28 साल से दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ और इस रोल के पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों में मैंने मतलब की पोस्ट पे काम किया है। और अब ये जो स्कूल है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पब्लिक स्कूल, हमने सन 2014 में इसका ओपनिंग की थी और 2015 अप्रैल से हमारा फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ था। और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मेरे मोहसिन हैं, मोहम्मद अरशद तकी साहब जो स्कूल के चेयरपर्सन हैं, उनकी और मेरी मशावरत से हमने ये सिलसिला शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर साहब के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्तों में से हैं, उनके तवसुत से मेरा भी डॉक्टर साहब से रबता हुआ, उनसे मुलाकातें हुई, बातचीत हुई। तो वो ऑलरेडी एक सिस्टम को रन कर रहे थे, डॉक्टर ए क्यू खान स्कूल सिस्टम। तो अरशद साहब ने और मैंने उनसे फिर बात की कि हम भी मतलब ग्रीन टाउन के इलाके जो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, यहाँ पे ये शाह फैसल टाउन का एरिया है, इसमें पंजाब टाउन आता है, गोल्डन टाउन आता है, ग्रीन टाउन है, अजीमपुरा का इलाका है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ पे एक अच्छे स्कूल की, मेयारी स्कूल की बहुत ज़्यादा कमी थी। स्कूल तो हैं यहाँ पे, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़ी बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ रखते हैं, लेकिन वही रटाइज़म और कुछ रटाइज़म पे बिलीव करते हैं और कुछ लोग जो हैं उन्होंने कम फीसिस में कम सैलरीज पे टीचर्स रखे, मतलब इल्म को जो जिसे कहते हैं ना उन्होंने उसका सत्यानाश करना शुरू किया हुआ। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने डॉक्टर साहब के साथ मिलके तो स्कूल की हमने बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन अवर थर्ड सेशन ऑफ द स्कूल। सर, आपके हवाले से तालीम के मयार को और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए स्कूल्स को क्या करना चाहिए जिससे स्टूडेंट एक अच्छा काबिल बने? इसमें ये है कि जो पुराना तरीका है तालीम था ना, अभी आप देखें कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं ना, वहाँ पर आपको अभी तक वही लोग अच्छी सीट्स पे, अच्छे अहदों पे मिलेंगे जिन्होंने ज़मीन पे बैठ के पढ़ा। और दूसरी बात, ये अहम बात ये है कि घरों में ना वालदैन ने बच्चों की इज्जत करना छोड़ दी। अब जब बच्चों की इज्जत वालदैन नहीं करेंगे ना, उसको तू तड़ाक, तू ओए बे अबे करके बोलेंगे तो वो बच्चे वही कुछ सीखेंगे। अगर हम अपने बच्चों को आप जनाब करके बोलेंगे, उनको हम इज्जत देंगे, तो जब हम उनको घर में इज्जत देना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारी इज्जत करना शुरू करेंगे। और यही सबक हमारे खातिमुन्नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उन्होंने दीन की तबलीग का आगाज़ कहीं बाहर जाके नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले दारे अरकम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि मैं सबसे पहले अपने घर को, उन्होंने घर की तरबियत की। सर, आप अपने स्टाफ के बारे में कुछ बताइए। हमारा ये एक बड़ा साइंटिफिक सा प्रोसीजर है, इसमें यह कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी यहाँ पे आता है हम उनकी सीवी उनसे लेते हैं, वो सीवी जो है वो हमारे इस्लामाबाद हेड ऑफिस में जाती है, इस्लामाबाद हेड ऑफिस से फिर उसकी रिकमेंडेशन होती है कि आप इसको इंटरव्यू करें, फिर इनिशियल इंटरव्यू होता है, उसके लिए पूरा पैनल बनता है जिसमें हमारे मैं होता हूँ, हमारी वाइस प्रिंसिपल होती है, डायरेक्टर्स होते हैं, और हम इंटरव्यू करने के बाद फिर उनको हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्लास में लेके जाते हैं। एक क्लास पहले टीचर जो है वो टीचर्स को पढ़ाती हैं, फिर हम बच्चों को उन्हीं क्लासेज में लेके जाते हैं, फिर हम वो सब व्यूज़ इकट्ठे करते हैं, उसके बाद हम अपॉइंटमेंट करते हैं। और यहाँ ऐसा कोई निज़ाम नहीं है वो जैसे आम गली महल्ले के स्कूलों में चलता है ना 4,000-5,000, नहीं, हम यहाँ पे एक प्रॉपर हमारा सैलरी पैकेज है जो मतलब डिसाइडेड है, हमारे सैलरी रूल्स हैं, लीव रूल्स हैं, हमारा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू होता है, UBI की फैसिलिटी है, प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी है, ये सब चीज़ें हमने एक प्रॉपर उसमें की हैं। और टीचर वही यहाँ पर कामयाब होता है जो वाकई में उस्ताद होता है, और कोई भी हमारा मतलब स्टाफ में कोई मतलब कम पढ़े लिखे लोग नहीं है, मिनिमम BEd हैं, और फिर जो हमारे सीनियर क्लासेस हैं उनमें सब मास्टर्स हैं, MSc MA, ये सब हमने इस तरह से हायरिंग की है और बहुत ज़बरदस्त सैलरी पैकेज हम देते हैं। सर, आप कौम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा कौम के लिए मैसेज यही है कि हमारा मुल्क बड़ी कुर्बानियों से बना है और हमारे मुल्क के जो जिन्होंने बनाया, जो हमारे लीडरान थे, वो ऐसे बाकिरदार और बुलंद पाया लोग थे जिनकी मिसालें अगर हम पुरानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देना चाहें तो दे सकते हैं। और ख़ासकर मैं अपने जो हमारा जो इलाका है जहाँ पे हमने जिस एरिया में हमने ये स्कूल बनाया, मैं वहाँ के वालदैन से ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के स्कूल में लेकर आए, ताकि वो उस वीजन का हिस्सा बन जाए। अब देखिए ना, डॉक्टर साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपना सब कुछ इस कौम को डिलीवर कर दिया, इसी तरह हम जो उनके यहाँ पे
उस मिशन को लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पास जो है हम उन बच्चों पर डिलीवर कर दें, ना सिर्फ तालीम बल्कि हम उनकी किरदार की भी बुलंदी पर गौर करें और उनको हम एक अच्छा शहरी, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा मोमिन बनाएं। थैंक यू सर। अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पब्लिक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल के साथ, आइए इनका तारुफ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा है और मैं यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पब्लिक स्कूल के अंदर एज अ वाइस प्रिंसिपल वर्क कर रही हूँ और यहाँ पर मैं पिछले लास्ट 3 ईयर से इनको हेड कर रही हूँ, स्टाफ को और एकेडमिक हेड को। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टाफ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से? हमारा एक मोटो है जिसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, रिलेटेड टू टीचिंग स्टाफ भी और रिलेटेड टू स्टूडेंट भी, तो वी आर प्रोड्यूसिंग चॉकलेट आउट ऑफ नथिंग। तो हमारे पास ये चीज़ है कि हम लोग बेसिकली एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड नोइंग, सो सेम प्रोसेस हमने इम्प्लीमेंट सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं किया हुआ, हमने वो अपने टीचिंग स्टाफ के ऊपर भी सेम चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट की हुई है कि जो हमारे पास करंट ट्रेंड्स हैं हमारे अपने स्टाफ को लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर जो है वो मूव ऑन किया हुआ है। इसके अंदर जितने भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे पास लेटेस्ट जो चीज़ आती है हम वो इनिशियली अपने स्टाफ मेंबर्स के फौरन इंप्लीमेंट करते हैं और वो उनको लर्निंग के प्रोसेस से बाहर नहीं जाने देते। सबसे बेसिक हमारा प्रोसेस ये होता है कि हम अपने स्टाफ की लर्निंग या उनकी जो नॉलेज है वो एक स्टैंडर्ड के ऊपर बिल्ट इन कर दें ताकि जब वो डिलीवर करें स्टूडेंट्स को तो वो इस स्टैंडर्ड के ऊपर मेंटेन रहें कि जो चीज़ हम लोग वहाँ से जो है वो अचीव करना चाह रहे हैं, जो हमारा एक टारगेट है जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वहाँ से, वो हमें वो सारी चीज़ों से जो है वो मिल जाए। पेरेंट्स के हवाले से कोई शिकायत या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को लेके कभी इस तरह की कोई बात? बिल्कुल, डेफिनेटली इस तरह से आती रहती हैं और उसके अंदर ये होता है कि हमारी प्रायोरिटी होती है कि अगर हमारे पास कोई पेरेंट ऐसे कंप्लेन लेकर आया है, चाहे वो बिहेवियर से लेकर हो या एजुकेशन सिस्टम से लेकर, उसको हैंड टू हैंड डील किया जाए और उसका इनिशिएटिव स्टेज के ऊपर उसको इस तरह से ग्रिप किया जाए कि वो हमारे हैंड से बाहर नहीं निकले, ठीक है। उसके बाद हम लोग वो उसके अंदर सडन इम्प्लीमेंटेशन होती हैं और उनको एज अ फर्स्ट हैंड जो है वो ट्रीट किया जाता है। स्टाफ को भी आप डील करती होंगी तो स्टाफ के हवाले से क्या कहना चाहिए? नहीं, स्टाफ के हवाले से यही चीज़ है कि स्टाफ जो है वो हमारा एक सर्टेन पॉइंट, जिस तरह से हम लोगों की अपॉइंटमेंट होती है तो हमारे स्टाफ एज एन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो हमारे टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है और उसके अलावा जो है मतलब उनको जिस चीज़ से मतलब जो चीज़ उनको डिलीवर करनी होती है और जो चीज़ मेरे हैंड से उनके पास डिलीवर जाती है वो एज इट इज़ डिलीवर होती है। थैंक यू मैम। आइए बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ से। अस्सलाम वालेकुम मैम, अपना तारुफ करवाइएगा। मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ हूँ और मेरा नाम मिस कुरतुलैन अरशद तकी है। आप लोगों के स्कूल का मिशन क्या है? हमारे स्कूल का मिशन जो है वो ये है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा तालीमी माहौल दें क्योंकि वो फ्यूचर में एक नाम बना सकें। मैम आप कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगी तालीम के हवाले से? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी स्पेशली पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उन्हें अटेंशन दें ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें और इसके साथ साथ हमारी ये कोशिश है कि हमारा जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है वो भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमान हैं। मैम स्टाफ के हवाले से बताइएगा, क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, मैं टीचिंग स्टाफ से बहुत मुतमईन हूँ और हमारा जो टीचिंग स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी है और उनमें टीम वर्क है। मैं कोई भी चीज़ टीचर्स को डिलीवर नहीं होने देती जब तक मैं उसको चेक ना कर लूँ और सेटिस्फाइड ना हो जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अपना तारुफ करवाइएगा। मैं मोंटेसरी इंचार्ज हूँ, मेरा नाम मिस मरियम है। अच्छा, स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ बताइएगा कि आप इंचार्ज हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को संभालने में? स्टूडेंट एक तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिनको संभालने के लिए मतलब अपने पेरेंट्स की गोद से आते हैं तो उनको संभालने के लिए हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, लाइक घर की तरह हम लोग उनको ट्रीट करते हैं। हमारी जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, वो बच्चों को बहुत अच्छे से स्टडी करती हैं, उनको समझाती हैं ऐसे लाइक मॉन्टेसरी मटेरियल। और कोलीग्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगी जो बाकी की टीचर्स हैं?
हमारी कलीग्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो बहुत मतलब वो सब एज अ ट्रेन है मॉन्टेसरी, तो जो भी प्रॉब्लम होती है वो एज अ मॉन्टेसरी हमारी मॉन्टेसरी जिस तरह हम लोगों को गाइड किया है वो उस तरह ट्रीट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम सौरभ शतकी है और मैं यहाँ पर मॉन्टेसरी डायरेक्टर। स्टूडेंट्स के यहाँ तालीम किस तरह दी जा रही है? स्टूडेंट को यहाँ तालीम हम मॉन्टेसरी मटीरियल हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा है जिससे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्लैश कार्ड वगैरह और जितना भी इक्विपमेंट है वो सब बच्चों को करवाते हैं। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और अगर बच्चे का ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है तो ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करते। स्टाफ हमारा माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एजुकेशन के हवाले से? मेरा एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और मैं बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा तो ही हम बच्चों को समझ सकते हैं और उन्हें पढ़ा सकते हैं। नाज़रीन अब हम मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पब्लिक स्कूल के चेयरपर्सन मोहम्मद अरशद तकी साहब के साथ। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे मालूम करते हैं स्कूल के फ्यूचर का विज़न। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आप स्कूल के जो फ्यूचर का विज़न है वो बताइएगा। हमारा स्कूल जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पब्लिक स्कूल, डॉक्टर साहब ने जो आए थे प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि ये डॉक्टर ए क्यू खान स्कूल सिस्टम जो है उसका एक हिस्सा है। ये डॉक्टर साहब ने खसूसी तौर पे पब्लिक के लिए जो है नीचे जो गरीब आवाम है उसके लिए जो है ये बनाया है। एक्चुअली जो डॉक्टर ए क्यू खान सिस्टम है वो पोश इलाकों के लिए जो है बनाया गया है और ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पब्लिक स्कूल जो है ये निचले दर्जे के जो लोग होते हैं जिनकी तनख्वाहें कम होती हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए जो है ये जो है बनाया गया है। तो फ्यूचर में हम इंशाल्लाह ताला उल अज़ीज़ इसकी जो है फ्रेंचाइज जो है देंगे और इसी नाम से जो है आगे जो है स्कूल जो है बनाएंगे। जो पोश इलाके होंगे वहाँ पे डॉक्टर ए क्यू खान स्कूल सिस्टम बनाएंगे और जो ऐसे तबके के होंगे जहाँ पे तनख्वाहें लोगों की कम होंगी और छोटे एरिए होंगे तो उनमें हम जो है इसको इंशाल्लाह ताला रन करेंगे। नाज़रीन आप देख रहे थे प्रोग्राम हमारा स्कूल और आज आपने देखा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट्स को किस तरह तालीम दी जाती है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ निदा काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।